हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जो मेरी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग रहे हैं और इन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मेन बात यह है कि ये सब अंडर ₹500 है। सो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बजट फ्रेंडली हैं और काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली भी हैं। आप इनको अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो अगर आप स्किन केयर में नए हो या फिर आप स्किन केयर में काफ़ी टाइम से हो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं इन्हें बहुत स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सेटाफिल स्किन क्लेंजर। दिस वन इज़ ऑयली स्किन क्लेंजर, लेकिन जेंटल स्किन क्लेंजर भी काफ़ी अच्छा है। मेरी स्किन थोड़ी ऑयली कैटेगरी में है इसलिए मैं ऑयली स्किन वेरिएंट यूज़ करती हूँ। ये अराउंड ₹300 में आता है और ये काफ़ी अच्छा क्लेंजर है। इसका सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि काफ़ी लोग रिकमेंडेशन देते हैं। मेन बात यह है कि ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी स्किन ड्राई हो रही है और अच्छे से क्लीन हो रही है तो वो बेटर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जेंटल स्किन क्लेंजर्स बेटर वर्क करते हैं और आप इनको नोटिस कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट नंबर 1 रिकमेंडेशन पे है। सेकंड स्किन केयर प्रोडक्ट है द डी कंस्ट्रक्ट 5% नायसिनमाइड सीरम। नाउ काफ़ी सारे नायसिनमाइड सीरम अवेलेबल है मार्केट में और नायसिनमाइड काफ़ी स्किन के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन ज़्यादातर सीरम्स जो होते हैं वो 10% कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। आपकी स्किन के लिए एक्चुअली 10% कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है और 5% कॉन्सेंट्रेशन एकदम परफेक्ट होता है। ये आपकी स्किन को इरिटेशन कॉज नहीं करता है और सेंसिटिव स्किन पीपल के लिए भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। दिस वन फ्रॉम डी कंस्ट्रक्ट हैज़ 2% अल्फा आब्यूटिन एंड 5% नायसिनमाइड। ये है क्लियरिंग सीरम। नाउ ये एक्चुअली नायका और अमेजोन पे इजीली ₹600 में अवेलेबल हो जाता है। सो ₹500 से बजट पे थोड़ा हाई पड़ता है, इसीलिए मैंने डर्माको का 10% नायसिनमाइड सीरम यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छा है। तो इसी में 5% वेरिएंट जो आता है वो अराउंड ₹450 आता है। सो वो आप परचेस कर सकते हैं। ये दोनों ही सीरम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी 5% वेरिएंट। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा सेटाफिल का ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी रेकमेंडेड है। वैसे तो काफ़ी बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मॉइस्चराइज़र्स। फॉर वन रिकमेंडेशन ये वो प्रोडक्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। आई विल रिकमेंड दिस। ये अगेन 450 के अराउंड मिलता है और इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी आती है, तो ये काफ़ी लंबा भी चलता है। आई यूज़ इट इन डे टाइम एंड इन नाइट टाइम। नाउ द फोर्थ प्रोडक्ट इज़ वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये काफ़ी लोगों के घर में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ये मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने यूज़ करना बंद कर दिया और अब मैं वापस इस प्रोडक्ट पे आई हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बार बार यूज़ करती हूँ। इवन हैंड्स, फुट, सब के लिए ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को नरिश करता है और सिर्फ लिप्स पे ही नहीं, मैं अपने इसको अंडर आई एरिया यूज़ कर लेती हूँ। सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट प्रोडक्ट और ये सिर्फ ₹145 में आपको अच्छा खासा क्वांटिटी में मिलता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। नाउ द फिफ्थ प्रोडक्ट इज़ सनस्क्रीन। वीडियो में सनस्क्रीन तो इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। दिस वन इज़ द फिक्स डर्मा शेडो 50 SPF सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं और ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है। दिस इज़ PA+ और अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है। आई वुड रेकमेंड SPF 50 बिकॉज ये अच्छे से प्रोटेक्ट करता है स्किन को आपकी सनरेज से। SPF 30 इज़ द मिनिमम टू स्टार्ट। इसकी कॉस्टिंग है अराउंड ₹325 MRP, जो आपको यूजुअली 280 के आसपास मिल जाता है। सो दीज आर माई टॉप 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मैं इन्हें काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इन्होंने मेरी स्किन में बहुत अच्छा चेंज लाया है। ये सब बजट फ्रेंडली है तो आप इन्हें इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड बिकॉज आई एम स्टार्टिंग आउट ऑन यूट्यूब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।